लिए फ्रेंड्स हमारी पकौड़ा देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अरुई के पत्ते का कैसे बनाया है और क्या क्या डाला है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं बनाना। वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है फ्रेंड्स अरबी के पत्ते का मैंने ये रोल बनाया हुआ है। इसे देखिए, इसे कैसे बनाते हैं मैं इसकी भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अगर पूरा करते तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों को रोल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे रोल बना के और इसे क्या किए हैं, इसे पानी में कर लेना रहता है, या आप स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पानी में, इसे कढ़ाई में पानी रख दीजिए या भगोने में, और इसकी पत्ती को लपेट के और उसमें डालना रहता है। तो मैं आपको इसके साथ आज मैं पकौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक और प्लेट ले लेते हैं और इसे हम रख के कट करेंगे। तो अरबी की पकौड़ी के बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसे हम पीसेस कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस। देखिए इतना ये अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, सीजन में ही मिलता है ये, हर समय अरबी के पत्ते नहीं मिलते हैं, बस ये सीजन में ही मिलता है। तो इसे मैंने देखिए यहाँ पे ऐसे पीसेस कट कर लिया है, देखिए सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह मैं सारे को, जो सारे ये बना के रखी हुई हूँ ये रोल, इसको सारे को कट कर लेंगे ऐसे ही पीसेस में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हम तलेंगे, ऐसे नहीं तलना है, सिर्फ इसे हम नहीं तलेंगे, इसे बेसन में लपेटेंगे। तो बेसन में यहाँ पे देखिए मैंने बेसन का घोल बना लिया है, और इसमें हम डाले हुए हैं सूखा लाल मिर्च और चावल। चावल को पहले भिंगो दीजिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चावल चाहिए, एक मुट्ठी के लगभग, और चावल और लहसुन का इसको पेस्ट बना के और इसी बेसन में, और अमचूर पाउडर डालते हैं, क्योंकि इसकी पत्ती जो होती है खुजली करती है, ये आप सभी लोगों को पता होगा अरबी जो है खुजली करता है। तो खुजली नहीं करे इसके लिए इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे अमचूर पाउडर, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर नींबू का भी जूस डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करें, सबसे पहले हमें ये पीसेस लेना है और इसे हम बेसन में डुबोएंगे ऐसे, देखिए। और अब इसमें हम कढ़ाई में जो है डाल देते हैं, तो सारे को हम इसे ऐसे ही डाल देंगे, ये देखिए। इसे कैसे लपेटते हैं पत्ती को, इसका भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, आज मैंने नहीं किया है, इसके पहले मैंने वीडियो डाली है फ्रेंड्स, आप चाहे तो वहां से मेरी वीडियो देख सकती हैं, वहां पे मैंने डाला हुआ है अपना वीडियो, तो आप चाहे तो मेरी लिंक पे जाके देख सकती हैं अरबी के, मैंने वहां पे पूरा शेयर किया है कैसे पत्ती को लपेटते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बस ये ऐसे हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा कर लेते हैं तेज और इसे होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पलट देंगे, इधर का हो गया है तो इसे हम सेक किया है, तो देखिए इधर पलट देते हैं, बहुत टेस्टी बनके ये तैयार होता है फ्रेंड्स। और ये ना ज्यादा बरसात के मौसम में ही ये सीजनल मिलता है अरबी के पत्ते, क्योंकि हमेशा ये मिलने वाला चीज नहीं है, हमेशा आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम ये मार्केट में आता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है ये। तो देख सकती हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अरबी के पत्ते के पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप इसका गया है, बिल्कुल बढ़िया, कहीं से भी खराब नहीं हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, छोटे छोटे टिप्स याद रखिएगा, तो आपके भी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अच्छे पकौड़े बनके तैयार होंगे। ये अरबी के पकौड़े हैं पत्ते के, मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें फ्रेंड्स आप जब भी बनाइएगा तो थोड़ा सा चावल, एक बार मेरी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। जब भी आप इसको पीसिएगा, इसमें सूखा लाल मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा जो है
चावल बहुत थोड़ा सा, एक मुट्ठी के लगभग आप चावल डाल दीजिएगा, हाफ कप मान के चलिए चावल रहेगा, और इसका पेस्ट बना के बेसन में अमचूर पाउडर डाल दीजिए और फिर उसको बनाइए, आप देखिएगा बहुत ही यम्मी बिल्कुल बन के तैयार होगा। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मेरे अरबी के पत्ते के पकौड़े बन के तैयार है। आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।